हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सितंबर 2019 के करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। तो इससे पहले हम जनवरी से लेके अगस्त तक के करंट अफेयर की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, और ये हमारे सितंबर के करंट अफेयर्स हैं। तो ये हमारी वीडियो जो आ रही हैं मिशन AFO 2019-20 के अंडर आ रही हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, और आप हमारी वेबसाइट brainengineers.in पे भी जा सकते हैं, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ बुक्स का लिंक भी प्रोवाइड किया है, और वो बुक्स भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, और वो बुक्स भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना जो है हमारा स्टेट है, जो उसका सबसे पहला फूड पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में बना है? तो ये बना है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तेलंगाना का फर्स्ट फूड पार्क बना है तेलंगाना का निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और फूड पार्क जो है बन रहे हैं, मेगा फूड पार्क वो बन रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया का? दैट इज हरसिमरत कौर बादल। ये उनकी पिक्चर है, हरसिमरत कौर बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, PMKMDY ये क्या है? प्रधानमंत्री काम कृषि किसान मानधन योजना। ओके, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किस स्टेट से लॉन्च किया गया है? दैट इज झारखंड। झारखंड में कहाँ? रांची से। ओके, रांची झारखंड से। और जो ये योजना है इसके अंडर, ये स्कीम के अंडर क्या है? तो इस स्कीम के अंडर जो है फार्मर्स जो है, कोई भी जो पर्सन है उसे 18 से 40 साल की एज में वो अप्लाई कर सकता है, और उसे पर मंथ 100 रुपये जो है प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके बाद जब उसकी एज 60 साल की हो जाएगी तो 60 साल के बाद उसे पर ईयर 3,000 रुपये मिलेंगे। ओके, तो ये उसका बेनिफिट हुआ। और जो स्कीम थी ये रांची झारखंड से लॉन्च की गई थी, और 12 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी, 12 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम कहाँ से लॉन्च किया गया है? दैट इज़ इन मथुरा। मथुरा से लॉन्च किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। और इस जो नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके अंडर दो डिसीज की बात की गई है। फर्स्ट इज फुट एंड माउथ डिसीज, तो ये एक वायरल डिसीज है, फुट एंड माउथ डिसीज। सेकेंड वन इज ब्रुसेलोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज है। ओके, बैक्टीरियल डिसीज, फुट एंड माउथ एंड ब्रुसेलोसिस। तो नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम मथुरा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर फाइनेंस मिनिस्टर नो स्ट्रेस्ड MSME अकाउंट विल बी डिक्लेयर्ड एज NPA। तो MSME क्या है? MSME है मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो NPA वो चीज़ है, जैसे कोई भी जो बैंक होता है, जैसे कोई भी अकाउंट है बैंक में, तो लोन अकाउंट है, अगर वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए अगर उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो बैंक उसे जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देता है। ओके, तो इसीलिए अभी क्या किया है फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, जो कि निर्मला सीतारमण जी है, ये उनकी फ़ोटो है, तो उन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2020 मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी MSME अकाउंट को NPA डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर हेल्ड वेयर? इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर, तो ये कहाँ हुआ है? दैट इज़ इन प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में, प्रगति मैदान में हुआ। कब हुआ? 11 से 13 अक्टूबर 2019 को, 11 से 13 अक्टूबर 2019 को ये होगा। ओके, 11 से 13 अक्टूबर 2019 को होगा। और एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़,
तो इसमें क्या डिस्कस किया गया है कि कैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट किया जाए, ओके। और जो सरकार का जो टारगेट है कि डबल फार्मर्स इनकम डबल करनी है फार्मर्स की, ओके, 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, उसी जो है उसी टारगेट में ये चीज़ होगी। और जिसमें क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे ध्यान दिया जाएगा कि कैसे एग्रीकल्चर के जो है प्रोडक्ट्स हैं उसे एक्सपोर्ट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज लॉन्च्ड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इन एसोसिएशन विद, तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट दोनों ने मिलके एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, किसकी एसोसिएशन के साथ, किसके साथ मिलके, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। तो इस जो है प्रोजेक्ट के लिए, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए जो फंड्स डिक्लेयर किए गए हैं वो है 33.5 मिलियन डॉलर्स, 33.5 मिलियन डॉलर्स। और इस जो है प्रोजेक्ट में क्या चीज़ की ये बात की जाएगी, तो इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कोकोनट डे दैट इज़ 22nd of November, सितंबर, 2 सितंबर को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड कोकोनट डे। और इस बार का जो 2019 का कोकोनट डे था उसका थीम क्या है, दैट इज़ कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस, कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड रुपीज़ 4,750 करोड़ रुपीज़ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेवर ऑन क्रॉप लोन्स फॉर फार्मर्स, तो कौन सी वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने बोला है कि 4,750 करोड़ रुपए का वो ब्याज और लोन है वो माफ़ करेगी, ऋण माफ़ी दी है, तो ये है हरियाणा सरकार ने किया है, 4,750 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ी डिक्लेयर किया है। लेकिन ये उन फार्मर्स के लिए है, उन वो लोन अकाउंट्स पे हैं जो लोन लिया गया है हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स और लैंड मॉर्गेज बैंक से। तो इन जो तीनों बैंक से जो है, सोसाइटी से और बैंक से जो लोन लिया गया है उन पे ये चीज़ लागू होगी, ओके। तो ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो इनके चेयरमैन कौन है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ऐसी चीज़ें भी आप याद कर लीजिए। तो इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, और ये इनकी फोटो है यहाँ पे, विनय कुमार सक्सेना इज़ द चेयरमैन ऑफ KVIC, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च्ड फॉर फार्मर्स ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस ऑन क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, तो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ पे हुई है, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली में, दिल्ली में हुई है ये कॉन्फ्रेंस। और इसमें क्या किया गया है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, दैट इज़ CHC फार्म मशीनरी। तो ये मोबाइल ऐप क्या करेगी, तो ये ऐसे, ये इस फोटो में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, अब किसान मंगा सकेंगे किराए पे ट्रैक्टर। तो ये जो मशीन, जो हमारी मोबाइल ऐप है, ये फार्मर्स को हेल्प करेगी कि वो किराए पे ट्रैक्टर ले सके, ताकि क्या करेंगे वो स्टबल बर्निंग जो है कम की जा सके और क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की जा सके। तो उस चीज़ के को देखते हुए ये ऐप लॉन्च किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू हेड ऑफ IMF, IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए होते हैं, तो उन सब में क्या है, बहुत फंड प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, फंड प्रोवाइड करती है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके जो है अभी अभी नई जो है इसकी हेड बनी है, तो उनका नाम है क्रिस्टलिना गॉर्गेविया, क्रिस्टलिना गॉर्गेविया, तो ये उनकी फोटो है, तो ये अभी नई बनी है, इनसे पहले कौन थी, इससे पहले थी क्रिस्टीना लेगार्डे, क्रिस्टीना लेगार्डे, तो अभी बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जेविया। तो यहाँ से हमारा जो है सितंबर 2019 के एग्रीकल्चर करंट अफेयर का वीडियो का एंड हो रहा है।
तो आगे हम और करंट अफेयर्स और स्कीम्स के बारे में आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे हमारे मिशन AFO 2019-20 के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारी वेबसाइट brainengineer.in पे जा सकते हैं आप। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।